अगली खबर में हम बात करते हैं भोपाल की, जहां भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की ओर से द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाया गया है। इसे लेकर बीजेपी के प्रदेश कार्यालय भोपाल में जश्न भी मनाया गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, पार्टी अध्यक्ष वीडी शर्मा और प्रवक्ता नेहा बग्गा आदिवासी गीतों पर खूब थिरके। मुर्मू झारखंड की राज्यपाल रह चुकी हैं। उन्हें प्रत्याशी बनाए जाने पर मध्य प्रदेश बीजेपी ने केंद्रीय नेतृत्व, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का आभार प्रकट करने के लिए उत्सव स्वरूप आभार कार्यक्रम आयोजित किया गया। सीएम ने राष्ट्रपति प्रत्याशी मुर्मू की फोटो के साथ डांस की। कार्यक्रम में सीएम शिवराज ने कहा, आज भाषण का दिन नहीं है, आनंद और उत्सव का दिन है। यह मध्य प्रदेश के 2 करोड़ आदिवासियों का भी सम्मान है। आज डांस और गाने बजाने का दिन है। मेरी भी इच्छा हो रही है कि आपके साथ खूब नाचूं। जो किसी ने नहीं सोचा था वो मोदी जी ने किया है। आदिवासी समाज की बहन एक दिन भारत के सर्वोच्च पद पर बैठेगी, राष्ट्रपति होगी और तीनों सेनाओं की मुखिया होगी। बीजेपी ने साधारण घर में पैदा हुई द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद का प्रत्याशी बनाया, जो शिक्षक बनी, बाद में पार्षद और विधायक भी बनी, उड़ीसा में मंत्री भी रही, इसके बाद राज्यपाल भी बनी, अब राष्ट्रपति बन रही हैं। सीएम शिवराज ने घोषणा की कि अब हमने तय किया है कि तेंदुपत्ता तोड़ने का और उसको बेचने का अधिकार भी ग्राम सभा को देंगे। अभी 5 ब्लॉक में इस व्यवस्था को पायलट प्रोजेक्ट पर शुरू करने का निर्णय लिया गया है। वन मंत्री विजय शाह भी साथ थे। तोड़ो बेचो और घर की आमदनी बढ़ाओ, यह क्रांति है कि यदि जंगल में कोई उपज हो रही है तो हम ही तोड़ेंगे और हम ही बेचेंगे। इमारती लकड़ी का 20% पैसा भी वन समिति और ग्राम सभी को मिलेगा। राजवाटिका विवाह घर सर्व सुविधा युक्त प्राकृतिक सुंदरता से ओत प्रोत। राजवाटिका विवाह घर में इंगेजमेंट, तिलक, शादी, रिसेप्शन, वेडिंग शूट, जन्मदिन पार्टी, जन्माष्टमी सहित अन्य कार्यक्रमों के लिए विवाह घर उपलब्ध। अपने मांगलिक कार्यक्रमों को यादगार बनाएं शहर के मध्य वातानुकूलित राजवाटिका मैरिज गार्डन के साथ। हमारा पता है राजवाटिका मैरिज गार्डन, नेशनल हाईवे, जूला मोड़, भुंडहा, रीवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9827004251।